कोर एचआर स्किल्स चाहिए होती हैं हर डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए। तो वो हमने सोचा था कि इस पे तीन चार स्किल्स जो है ना टॉप की, जो हर डिपार्टमेंट हेड अपने अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है, कहने को वो एचआर स्किल्स हैं, मगर उसके बगैर कोई भी, उन स्किल्स के बगैर कोई भी डिपार्टमेंट हेड अपने डिपार्टमेंट को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकता। तो वो मैंने सोचा था चंद एक स्किल्स हाईलाइट कर देंगे ताकि हर डिपार्टमेंट हेड अपने अपनी टीम को, अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए इन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो मैंने फ़िलहाल 5 स्किल्स आइडेंटिफाई किए हैं। वो जब आप लर्निंग फेज़ में आते हैं तो 5 को 10 कर लें, 10 को 15 कर लें, वो फिर लर्निंग आपकी कंटिन्यूस रहती है तो स्किल्स में ऐड होती जाती है। बट मेरे ख़्याल में ये 5 फंडामेंटल फाउंडेशनल स्किल्स हैं कि अगर ये नहीं होंगी तो आप किसी डिपार्टमेंट को या टीम को मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर एक ये है कि हर डिपार्टमेंट हेड को अपनी नेचर में एचआर मैनेजर भी होना होता है। अब वो एचआर मैनेजर का मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आम तौर पे तो ये है कि किसी को हायर कर लिया और फिर उसको प्रोबेशन के बाद कंफर्म कर दिया, उससे काम लिया और जब ज़रूरत नहीं होती तो रिज़ाइन ले लिया या टर्मिनेट कर दिया या खुदा हाफिज़ कर दिया, जो भी सूरतें हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में अंदर बुलाने का और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करने का जो प्रोसेस है, आमतौर पर इसको हम बोलते हैं कि ये एचआर मैनेजमेंट है। एक्चुअली ये एचआर मैनेजमेंट का एक जुज है, कुल नहीं है। अब एचआर मैनेजमेंट का जो इसका पर्पज़ या इसकी जो फाउंडेशनल नेचर है ना, वो सिर्फ मैंने आपके सामने रखनी है ताकि ये पता चल जाए कि ये वो कौन सी स्किल है जो हर डिपार्टमेंट हेड के पास होना ज़रूरी है। उसके बगैर वो हमेशा, कह लीजिए, एचआर की प्रॉब्लम्स में वो डिपार्टमेंट हमेशा रहेगा। वो बार बार एचआर को बुलाएगा, एचआर के स्टाफ को बुलाएगा, थिंग्स लाइक दैट। वो ये है कि आपके प्रोफेशन के दो हिस्से होते हैं, एक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है और एक आपके ऑपरेशंस हैं। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को मैनेज करना और ऑपरेशन में प्रोसेस को मैनेज करना, ठीक है ना। एचआर का जो फंक्शन है, जो एचआर की कोर रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो हर डिपार्टमेंट हेड के पास होना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में और ऑपरेशन में बैलेंस क्रिएट करके हारमोनी क्रिएट करना है बस। यानी लोगों को भी मैनेज करना है और इस तरह से मैनेज करना है कि ऑपरेशन में क्वालिटी पैदा हो जाए, ठीक है, ऑपरेशन डिस्टर्ब ना हो। तो उसमें दो चीज़ों का फोकस चाहिए होगा, एक ऑपरेशन पे नज़र रखे प्रोसेस में, और जो लोग उस ऑपरेशन को मैनेज कर रहे हैं उन लोगों पे नज़र रखे। तो एक तरह से लोगों से काम लेने का फन जानता हो, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स और ऑपरेशंस के मुताबिक प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन और इम्प्रूव करने की सलाहियत रखता हो, जिस डिपार्टमेंट को भी वो मैनेज कर रहा है। आपने इंटरफेस डायलॉग की इस्तलाह सुनी होगी, टर्मिनोलॉजी के दो फेथ हैं। आपने दोनों में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस की वजह से ना बहुत ज़्यादा क्लैश आ जाते हैं। तो इंटरफेस डायलॉग में आपने डिफरेंसेस को मिनिमाइज करते हुए सिमिलैरिटीज़ को प्रमोट करते कि जिन चीज़ों पे मुत्तफिक हैं वो सिमिलैरिटीज़ को प्रमोट करके, तो दोनों के दरमियान हारमोनी क्रिएट करनी होती है ताकि दोनों फेथ के मानने वाले अमन और सुकून के साथ एक ही सोसाइटी में रह सकें। तो जो कोर नंबर वन स्किल है एचआर की, वो पर्पज़ ध्यान में रखते हुए कि डिपार्टमेंट हेड का काम ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन में कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करते हुए जो कॉमनैलिटीज़ हैं, जो स्ट्रेंथ हैं आपकी टीम्स की, उसको प्रमोट करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशंस में इंटर डायलॉग के प्रोसेस को इनिशिएट करते हुए वो हारमोनी क्रिएट करे, बैलेंस क्रिएट करे, कि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, लोगों में बेचैनी कम होगी, लोग प्रॉपर पोजीशन के लिए हायर होंगे और एक्सेसिव हायरिंग नहीं होगी, ठीक है ना, कम भी नहीं होगी। जिस काम के लिए जितने लोग चाहिए, वो मैनिंग गाइड जो हम बनाते हैं वो प्रॉपर, जब आपकी फील्ड फोर्स प्रॉपर हो जाएगी तो उस फील्ड फोर्स को फिर उनमें से ऑपरेशंस निकलते हैं, ठीक है ना। जब कोई कम होगा तो किसी के ऊपर एक्स्ट्रा काम का बर्डन होगा तो ऑपरेशन डिस्टर्ब होगा। जब कोई एक्स्ट्रा हायरिंग हो जाएगी तो उस एक्स्ट्रा हायरिंग को आप किसके साथ किस काम पे लगाएंगे, तो वो असिस्टेंस की बजाय इंटरफेरेंस का रोल ज़्यादा प्ले करेगा, क्योंकि एक आदमी अपना काम कर ही रहा है ना, उसके साथ एक और आप आदमी ऐड कर देते हैं, या एक आदमी अपना काम कर रहा है तो उसको उस पोजीशन से हटा देंगे, तो वहाँ पे जो
काम की ऑपरेशनल मॉनिटरिंग और सुपरविजन की ज़रूरत है वो काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में हार्मनी क्रिएट करके इनको बैलेंस के साथ लेके चलना, ये एचआर मैनेजमेंट का काम होता है। इसलिए एचआर का डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं, उनके साथ एडवाइजरी का रोल होता है। वी आर एडवाइजर टू डिपार्टमेंट हेड्स, कि हम उनको एडवाइज़ करते हैं, गाइड करते हैं, जहाँ उनको हमारी ज़रूरत होती है हमें बुला लेते हैं, जहाँ हम महसूस करते हैं कि हमें उनकी असिस्टेंस करनी चाहिए हम खुद जाके उनको बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारा नॉर्मली एचआर का लोगों से ज़्यादा ताल्लुक और वास्ता होता है, बट जेन्युइन एचआर मैनेजमेंट वो ऑपरेशनल फोकस्ड होती है। क्यों? कि आप जब लोग हायर कर रहे हैं और सूटेबिलिटी देख रहे हैं, तो आपका क्राइटेरिया हायरिंग का और सूटेबिलिटी का वो ऑपरेशंस होते हैं। तो अगर कोई एचआर का मैनेजर या एचआर का डिपार्टमेंट ऑपरेशनली वाइज नहीं होगा या इंफॉर्मेशन नहीं होगी उसको ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस की, तो हायरिंग फायरिंग भी प्रॉपर नहीं कर पाएगा। इसलिए जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में नया कोई एचआर मैनेजर आए या नया डिपार्टमेंट आप इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसको ऑपरेशनली ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी होती है, ताकि वो जान सके कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ मैन पावर को क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वो डिपार्टमेंट हेड का की असिस्टेंट का उसको असिस्ट करते हुए और ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हुए ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में बैलेंस क्रिएट करके उसका बेनिफिट प्रोडक्ट को जाए, आपके कस्टमर को जाए। तो ये नंबर वन स्किल है जो डिपार्टमेंट हेड्स के पास होनी चाहिए, कि उनको एचआर के माइंड से भी सोचना चाहिए। और एचआर का माइंड मैंने आपको बता दिया, वो हायरिंग फायरिंग नहीं होता, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स को ऑपरेशनली फोर्स में कन्वर्ट करके दोनों में बैलेंस और हार्मनी क्रिएट करना होती है। अगर आपके दफ्तर में प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली फील्ड की फोर्स को मुतासर करेंगे आप, आपकी फील्ड की फोर्स का या फील्ड के ऑपरेशन का सारा दारोमदार आपके उसके ऊपर होता है। तो ये एक नंबर वन क्वालिटी है, ठीक है। नंबर टू क्वालिटी जो है कि एज अ डिपार्टमेंट हेड और एज अ एचआर मैनेजर, कोचिंग एंड मेंटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। यानी अगर मैं सिर्फ एचआर मैनेजर हूँ और मेरा काम सिर्फ ये है कि यहाँ बंदे रख दिए, यहाँ से बंदे निकाल दिए, मगर रखने के बाद क्या मेरा ताल्लुक ख़त्म हो गया? तो कंटिन्यूसली कोचिंग, मेंटरिंग एंड कैरियर डेवलपमेंट, आप जब एम्प्लॉइज़ को रख लेते हैं और ख़ास तौर पर यंग जनरेशन जब आती है, तो आप उनके टैलेंट पे भी नज़र रखते हैं, उनके काम पे भी नज़र रखते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिर्फ जेडी से रिलेटेड होती है, मगर एक अच्छे डिपार्टमेंट हेड को और अच्छे एचआर मैनेजर की ये जिम्मेदारी है कि अगर वो किसी में एक्स्ट्रा टैलेंट देखता है और वो समझता है कि यहाँ पे भी जॉब तो कर रहा है मगर इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस सर्टन एरिया में, तो डे टू डे बेसिस के ऊपर जब भी उसके साथ इंटरेक्शन होता है एम्प्लॉई के साथ, एम्प्लॉई की काउंसलिंग, कोचिंग, मेंटरिंग, ये सारी चीज़ें उसकी कुछ उसमें आती हैं। आप कह लीजिए जो हायर लेवल ऑफ एचआर का है कॉन्सेप्ट, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। इट इज़ नॉट जस्ट कि किसी डिपार्टमेंट हेड ने एक बंदा मांगा और आपने उस बंदे के लिए हायरिंग करके बंदा उसको दे दिया, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। अगर आप देखते हैं कि ये आदमी इस काम को जिसको कर रहा है इससे बहुत ज़्यादा सलाहितों का मालिक है, तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए और उसकी सलाहितों को देखते हुए, ज़रूरी नहीं उस जॉब पर ही रहें, आपको उस सलाहितों को देखे हुए कि ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ पे भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो कोचिंग एंड मेंटरिंग, फिर बॉस एम्प्लॉई रिलेशनशिप बाज़ का ख़राब हो जाते हैं। तो अच्छे डिपार्टमेंट हेड का और अच्छे एचआर डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि एम्प्लॉई और बॉस के दरमियान जो क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, जो ज़िम्मेदारी वो एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन की कर रहा है ना, हारमोनी क्रिएट कर रहा है, वो फिर रिलेशंस में भी क्रिएट करनी पड़ती है। आपको समटाइम बॉस से भी बात करनी पड़ती है, आपको समटाइम एम्प्लॉई से भी बात करनी पड़ती है, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट सुन के उसको रेजोल्यूशन की तरफ लेके आना पड़ता है। तो समटाइम उसको, दूसरे लफ्ज़ों में, अगर वो कोचिंग और मेंटरिंग के साथ साथ उसको सोशली इंटेलिजेंट भी होना पड़ता है, डिपार्टमेंट हेड को या एचआर मैनेजर को, और एचआर को एज अ होल। खाली एचआर मैनेजर इंटेलिजेंट हो और बाकी टीम माशाल्लाह हो, तो वो बेचारा खुद प्रॉब्लम में है, वो किसी और की क्या मदद करेगा। तो पूरे डिपार्टमेंट में ये कलेक्टिव होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक आपका कोलीग है जो पीआर में बहुत अच्छा है, तो आप उसको पीआर के लिए रखें। एक कोलीग आपका डेस्क जॉब के लिए बहुत अच्छा है, तो आप उस, यानी वो जो सलाहियतें कलेक्टिवली एक डिपार्टमेंट में होती हैं या होनी चाहिए या एक बॉस में होनी चाहिए,
वो निकल के फिर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट होती हैं मुख्तलिफ पोजीशंस के अंदर। आपका एक एम्प्लॉई ऐसा है एचआर का या डिपार्टमेंट का जिसके पास ये सलाहियत है काम करने के अलावा कि वो सुलह सफाई करवाने में बहुत अच्छा है, तो आप उसकी उस सलाहियत को अपने डिपार्टमेंट की में हार्मनी क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई है जो डेस्क जॉब में है मगर कस्टमर को सेटिस्फाई करने की सलाहियत रखता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, तो सम टाइम आप उसको वहाँ से उठा के कस्टमर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एज अ डिपार्टमेंट हेड और एज एन एचआर, ये जो कोर स्किल मैं बता रहा हूँ डिपार्टमेंट हेड्स के लिए, ये वो सलाहियतें हैं जो सिर्फ जॉब और जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड नहीं है। जॉब और जॉब डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग पॉइंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। आपने अगर इधर ही बैठे रहना है तो सारी उम्र उधर ही बैठे रहेंगे। अगर आपने लाइफ में ग्रो करना है और ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है तो ये सारी चीज़ें एडिशनल चीज़ें आपको लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगे, तो ये इसमें आपका अपना ज़ात का भी भला होगा और ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी आपके साथ साथ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लिंक्ड होती है सोसाइटी के साथ। सोसाइटी जब ग्रो कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ के पीछे खींचेंगे कि हमने ग्रो नहीं करने देना तुम्हें। तो ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो करना है सर्वाइवल के लिए, तो सोसाइटी के साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं करेगी तो फिर लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उसके अंदर, फिर डाउनसाइजिंग हो जाती है, फिर लोगों को निकालना पड़ जाता है, बेशुमार रीज़न्स हो जाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली लोगों से मिलकर बनती है, लोग ग्रो कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनाइजेशन ही ग्रो कर रही होती है, ठीक है जी। तीसरी चीज़ वो ये थी कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एज अ डिपार्टमेंट हेड या जिस सेक्शन में भी आप काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं प्रॉब्लम आपकी अपनी हो तो आप उसको सॉल्व करने की सलाहियत रखते हो। आपके किसी कुलीग की प्रॉब्लम है तो आप उसमें भी उसका हाथ बटा सकते हैं, आप अपने डिपार्टमेंट हेड को असिस्ट कर सकते हैं। आप अगर ख़ुद डिपार्टमेंट हेड हैं तो आप किसी और डिपार्टमेंट हेड को असिस्ट कर सकते हैं। ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात को कम करना, ये इतनी शानदार सलाहियत है कि ये आपकी लाइफ में, आपकी जॉब से लेके आपके जॉब से बाहर के सारे मामलात में लाइफ को बड़ा इम्प्रूव करती है। लोग आपका चेहरा देखेंगे तो उनको वैसे ही करार और सुकून आ जाता है कि अब हमारी मुश्किलात कम, यानी तसल्ली, आपका चेहरा देख के लोगों के जहन में तसल्ली के असरात उभरने शुरू हो जाएँ तो इससे बड़ी रहमत कोई नहीं है, ठीक है ना। तो मुराद ये है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, यानी दफ्तर में भी कोई मसला हो जाए, कोई JD के ऊपर मसला है, कोई काम के हवाले से मसला है, आपका फोकस ये हो कि ये ख़त्म कैसे हो सकता है। मसले पैदा होते हैं जब हम मसाइल से नज़र हटा के ना लोगों पे नज़र रख लेते हैं कि अच्छा ये बंदा मसला है, ठीक है ना। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से नज़र उठा के तो ऑपरेशंस पे नज़र रख लेना कि ये मसला पैदा क्यों हुआ है, इसमें कौन कौन, इसमें प्रोसेस की कमी कहाँ है या इसमें पॉलिसी की कहाँ पे कमी है जिसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ है। तो अगर आप प्रोसेस को स्टडी करेंगे ना तो बहुत सारे मसाइल आपके उधर ही हल हो जाते हैं। जब आप प्रोसेस में से लोगों को स्टडी करना शुरू कर देते हैं ना तो प्रोसेस इग्नोर हो जाता है, फिर लोग ब्लेम गेम शुरू हो जाती है दफ्तर में। बाज़ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनका एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है, उसमें उनके पीछे कोई हज़ार रीज़न होंगे, कोई फैमिली की प्रॉब्लम है, कोई और मसले मसाइल हैं। आप उसको स्टडी करें, बंदे को क्वेश्चन करें केयरिंग सेंस के अंदर, ठीक है ना, और उसकी काउंसलिंग करें जो मैंने कोचिंग और मेंटरिंग का कहा था कि एम्प्लॉई से पहले बैठ के बात करें, जहाँ से आप समझते हैं कि मसला निकला है पहले उसकी ज़ात को समझने की कोशिश करें, उसके प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या मामला नहीं है। अगर वो, यानी कह लीजिए एम्प्लॉयज़ की कैटेगरीज होती है, अगर वो टेढ़ा एम्प्लॉई है तो आपको खुल के पता चल जाएगा कि प्रोसेस क्लियर है, ये किसी वजह से जानबूझ के कोऑपरेट नहीं कर रहा ताकि इसकी बात मानी जाए, ठीक है ना। तो वो डिसिप्लिन का इशू आ जाता है, वहाँ पे आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले लीजिएगा। मगर ओवरऑल आपका जो लाइफ का कह लीजिए ना पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने चाहिए, ताकि वो जो एनर्जी आपकी कॉन्फ्लिक्ट को मेंटेन रखने पे या सॉल्व करने पे लगनी है, तभी आपकी फैमिली में, यानी फैमिली से मुराद है दोस्त है बाप में, ख़ानदान में, घर में, बाहर में, इवन दफ्तर में भी जब कोई प्रॉब्लम होती है ना और वो प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती है तो सोल्यूशन के बाद आप देखिएगा आपको एक तरह से सुकून और चैन आ जाता है। वो जो सुकून और चैन है ना वो अगर
प्रॉब्लम ना हुई होती और वो सुकून और चैन सारे का सारा आपकी जॉब पे या जो किसी प्रोडक्टिव काम पे हुआ होता तो वो कितना काम इम्प्रूव होता। तो जब प्रॉब्लम आती है ना, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को खींच के ना उसको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। तो इसलिए एक अच्छा डिपार्टमेंट हेड और एक अच्छा एचआर मैनेजर और एक अच्छा एचआर डिपार्टमेंट और एक अच्छी टीम, उसमें कोशिश ये करेंगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कि जैसे ही पता चलेगा ना कि ये इशू खड़ा हुआ है जो आगे चल के प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगा, तो उस इशू को शुरू में ही पकड़ लें। हम वेट करते हैं कि बाज़ का इशू को, अच्छा जब ये प्रॉब्लम होगा फिर हम देखेंगे, ठीक है ना। आपने वेट किया कि प्रॉब्लम में पहले इशू कन्वर्ट हो जाए, ये मैनेजमेंट नहीं है, ये स्टुपिडिटी है, ठीक है ना। आप वेट कर रहे हैं कि इशू प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो, जब कन्वर्ट होगा फिर आप इसको बैठ के अपनी मैनेजेरियल सलाहियतों से इसको सॉल्व करेंगे। मगर आप ये भूलिए कि इशू को पहले पकड़ लेते तो प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना होता। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितना टाइम इन्वेस्ट किया आपने, ये कहाँ की समझदारी है, ठीक है ना। तो अच्छे डिपार्टमेंट हेड्स वो लोग होंगे जो इश्यूज़ को प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना होने दें, पहले पकड़ लें। बाज़ औक़ात इशू को प्रॉब्लम इसलिए कन्वर्ट कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम कन्वर्ट करने वाले को पकड़ सकें। तो अगर प्रॉब्लम कन्वर्ट करने वाले को पकड़ना है तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना ज़रूरी तो नहीं है। उसमें तो आपको पहले से पता होगा, जब वो प्रॉब्लम इशू माइनर इशू के लेवल पे था तो आप इसको एड्रेस करते तो इशू ख़त्म हो जाता। तो इस तरह की वो चीज़ें हैं कि थर्ड चीज़ है कि वो बंदा जो डिपार्टमेंट हेड है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर हो और प्रॉब्लम सॉल्वर हो। नंबर फोर्थ, कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसको कहते हैं ना पर्दादारी। बेशुमार अहादीस हैं कि आप पर्दादारी किसी के रखते हैं तो उसमें बड़ा सुकून होता है। इस पर्दादारी में दो चीज़ें आती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी एंड पर्सनल कॉन्फिडेंशियलिटी। किसी एम्प्लॉई का कोई आप ऑर्गेनाइजेशन से इशू है तो आप इसको ऊपर पर्दा रखें, इसको बातें करके फैलाएं ना ताकि उसकी सेल्फ एस्टीम हर्ट ना हो, ठीक है ना। और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी, कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ के कुछ मामलात ऐसे हैं जो आपकी JD में दाखिल हैं और अगर वो डिस्क्लोज होते हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचेगा, उसकी ब्रांडिंग को नुकसान पहुंचेगा, उसकी सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचेगा, उसके फाइनेंसिस को नुकसान पहुंचेगा। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि खामोश रहने की और सब्र तहम्मुल की आदत डालें और पर्दादारी करें। अगर कोई किसी का कोई मसला है, यानी कॉन्फ्लिक्ट मैनेज कर रहे हैं ना आप, तो कॉन्फ्लिक्ट की मैनेजमेंट के प्रोसेस के दरमियान जब बंदा अगर बदनाम हो जाए तो वो मैनेज हो के भी मैनेज नहीं रहती, उसकी बदनामी एक और प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। उसको कैसे एड्रेस करेंगे, इसको इससे आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनता है। तो एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप मामलात की जो ऑफिशियल पर्दादारी और जहाँ पे आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी ख़त्म हो जाए वहाँ पे आपकी इखलाकी और इंसानी कैपेसिटी स्टार्ट हो जाती है कि फिर अगर किसी के मुतल्लिक कोई डिसीजन है या कोई मामला है, पता भी है आपको, तो आप बिल्कुल ज़ुबान बंद कर लें उससे, कहिए जो जिसका है वो, जो जिसकी टेबल पे है वो उसी का डिसीजन है। मामला किसी और का है और वो डिस्कस किसी और डिपार्टमेंट में होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी बदनामी हो जाती है। और जब डिसीजन होता है तो पता चलता है वो उसका इशू नहीं था, वो खामा बेचारा उस चक्कर में आ गया। तो वो डिसीजन में तो क्लियर हो जाता है, रेपुटेशन में क्लियर नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि एज अ डिपार्टमेंट हेड या सेक्शन हेड जो भी हैं आप, ख़ासतौर पे HR में, कि हमारा डिपार्टमेंट अगर कहते हैं ना पर्दादारी वाला ना हो तो आप अंदाज़ा करें कि लोगों की ज़िंदगियां, यानी ज़िंदगी गुजारना ही मुश्किल हो जाए उनका। तो डे टू डे बेसिस पे ना एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ होते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज़ होते हैं, तो उनकी प्रॉपर चैनल के ज़रिए डिसीजन मेकिंग ना हो रही हो और उससे हट के अगर इधर उधर गुफ्तगू हो रही हो तो उस पर बड़ा नेगेटिव असरात पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। और पांचवीं चीज़ थी कि हम अक्सर तौर पे ना आधे जहन से सोचते हैं। आधे जहन से सोचने का मतलब यह है या लॉजिकल सोच रहे होंगे या इमोशनल सोच रहे होंगे, या जुज़ पे फोकस है और कुल इग्नोर कर दिया, या कुल पे फोकस है जुज़ इग्नोर कर दिया। इसका मतलब ये है आप जब एक बंदे का सोच रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के, तो उस वो बंदा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक जुज़ की हैसियत रखता है। आप उस बंदे का सोचने के साथ साथ
उस ऑर्गेनाइजेशन का भी सोचें जिसमें वो बंदा काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि एक बंदे को फ़ायदा देने के लिए अच्छा यार उसको रख लिया, ठीक है ना, मगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी देखना होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उस बंदे की यूटिलिटी क्या है या उसकी आपका क्या लीजिए उसका काम क्या होगा। बाज़ात क्या होता है कि आप पूरी पिक्चर को जहन में रख के एक बंदे को आपने एक पोजीशन पर रख लिया, हो सकता है उसकी ज़रूरत किसी और पोजीशन पर हो, मगर उस डिपार्टमेंट में सोच चूँकि आपकी लगती नहीं है, आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो आप उस अच्छे बंदे को किसी ऐसी जगह पे लगा देंगे जिस पे वो शायद अपना टैलेंट भी पूरी तरह इस्तेमाल ना कर पाए और जहाँ उसकी ओरिजिनल ज़रूरत है जिस डिपार्टमेंट में उसको भी उसका फ़ायदा ना पहुँच सके। तो उधर भी ज़रूरत मेंटेन रही और इधर भी प्रॉपरली टैलेंट इस्तेमाल नहीं हो सका, उसका नुकसान क्या होगा, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ता है। एक एम्प्लॉई जहाँ पर रखा हुआ है वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर सकता, अपने कह लीजिए गलत JD की वजह से, गलत अपॉइंटमेंट की वजह से 100 चीज़ें हो जाती हैं। इसी तरह जब आप किसी एम्प्लॉई को कह लीजिए रख के ओरिएंटेशन प्रोसेस में से गुजारते हैं और ओरिएंटेशन प्रोसेस में गुजारने के बाद उसको उसकी जॉब पे छोड़ देते हैं कि अब आपने अपना ये काम करना है प्रॉपर ट्रेनिंग सब चीज़ों के बाद, तो उस आदमी की इंडिविजुअल वर्क जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज़ के साथ जब कनेक्ट नहीं करेंगे, यानी वो अपना काम सोचते वक्त ये नहीं देखेगा कि मेरे इस काम से मेरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलना है, यानी आपकी जो इंडिविजुअलिटी है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के साथ कनेक्टिविटी नहीं होगी ना, तो वो दोनों में रिलेशनशिप नहीं पैदा होगा। इससे लॉयल्टी एंड कमिटमेंट पैदा होती है स्टाफ के अंदर कि हर आदमी अपनी JD पे बैठ के काम कर रहा है, सैलरी ले रहा है, बट उसके साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को लिंक करके क्यों खुशी महसूस कर रहा है। जो इमोशनल कनेक्टिविटी है ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो तब होती है जब डिपार्टमेंट हेड पूरे जहन के साथ यानी होल पिक्चर को जहन में रख के फिर लोगों के साथ वो अपना ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में, जब आप ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में हार्मनी क्रिएट कर रहे होते हैं ना बेसिकली, तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन आपके जहन में होती है। उस ऑर्गेनाइजेशन में वो बंदा जिसके साथ जिससे आपने काम लेना है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वो आदमी का पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन में लिंक क्या बनता है या उसकी कनेक्टिविटी क्या है, तो वो क्लैरिटी ऑफ विजन जब उस एक सिंगल JD में रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना, उस वक्त तक उस आदमी की अपनी जॉब के साथ सिर्फ सैलरी की हद तक लॉयल्टी होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक पर्सनल कमिटमेंट एंड लॉयल्टी नहीं होती। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हैं, यानी इस रोल में 5वीं में आपको माइक्रो मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है, मैक्रो मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है, बड़ी पिक्चर को लेके जहन में रखना पड़ता है और बाद का जुज़ के ऊपर आके वो जुज़ के अंदर गुम होके वो इश्यूज़ भी सॉल्व करने पड़ते हैं, यानी डिटेल ओरिएंटेड भी होना पड़ता है आपको बाद का और बाद का बिग पिक्चर रख के ओवरऑल टोटेलिटी में भी सोचना पड़ता है। तो ये 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये हो गया कि HR का हमारा जो मेन पर्पज़ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो हर डिपार्टमेंट हेड को पता होना चाहिए, इज़ टू क्रिएट बैलेंस एंड हार्मनी बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशंस। नंबर 2, हर डिपार्टमेंट हेड को कोचिंग मेंटरिंग यानी सोशली इंटेलिजेंट होना चाहिए, कैरियर डेवलपमेंट कोच होना चाहिए कि उसके डिपार्टमेंट में अगर कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है और वो उसको ये देखे कि ये अगर काम करता है मैं इसको ग्रो करता हूँ इस एम्प्लॉई को तो ये आगे किस पोजीशन के लिए सूटेबल होगा, ठीक है ना, सक्सेशन प्लानिंग इधर से ही निकलती है आपकी। नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्वर हो। नंबर 4 ये है कॉन्फिडेंशियलिटी हो ऑर्गेनाइजेशन की भी और अफराद की भी। और नंबर 5 कि वो जो मैंने लिखा हुआ थिंकिंग विद होल ब्रेन, यानी बड़ी पिक्चर ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है तो वो अपनी हेडशिप को अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में देखे कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो अंडर लोग काम कर रहे हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 5 हैं उसमें ओवरऑल। तो दैट्स द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। अब